हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं DMDF और कार्मिक की रीडिंग। तो गाइज, उससे पहले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज, अगर आप कुछ पर्सनल रीडिंग, हीलिंग या कुछ भी लेना चाहते हैं तो नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उस। और गाइज, आज स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक पॉइंट एम्फेसिस करना चाह रही हूँ, दैट इज़ नो कॉन्टैक्ट। ठीक है गाइज, नो कॉन्टैक्ट से मेरा मतलब है कि हम जो है खुद बिना बोले, बिना कुछ बताए कुछ नंबर एक डेढ़ महीने के लिए गायब हो जाए। ठीक है, उनके लाइफ से टोटल डिसअपियर हो जाए, मैसेज ना करे, और वो एक डेढ़ महीना जो है हम इनर वर्क को करे। अब मैं ये नहीं सुनना चाहती कि हम इसको कब करें, हम मेरा तो DM से अच्छी बात चल रही है, मैं करूँ क्या नो कॉन्टैक्ट। नहीं गाइस, ये नो कॉन्टैक्ट सिर्फ उनके लिए है जिनके लिए डिवाइन मैस्कुलिन ऑलरेडी बोल दिए कि हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, या कोई मैसेज एंडिंग का दे दिए, या हम कार्मिक के साथ हैं, या कोई ऐसा सिचुएशन हो गया है आप दोनों के बीच में जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट करना ज़रूरी है, जहाँ पे गायब हो जाना ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो ऐसे कोई सिचुएशन आ गया आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में जहाँ पे उन्होंने आपको कुछ ऐसे बुरा भला कह दिया या कुछ कर दिया ऐसे जिससे आपको हर्ट हुआ है, तब गाइज आपको ऐसे डिसअपियर हो जाना है और सब जगह से ब्लॉक करना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे गाइज। और मैं आपको बता दूँ कि आप अगर ऐसा कह रहे हो कि उन्होंने हमको ऐसा कह दिया है तो हम गायब हो जाएंगे और डेढ़ महीना दो महीना हम ना कॉन्टैक्ट करेंगे ना मैसेज करेंगे, तो क्या वो हमको भूल नहीं जाएंगे, क्या वो किसी और के पास नहीं चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है गाइज, ये हमारे फियर्स है, ये हमारी ट्रिगर्स है कि भाई हम उनको अगर जाने देंगे तो वो चले जाएंगे, लेकिन उसका रिएक्शन कुछ उल्टा ही होता है रियल लाइफ में। अगर हम अपने डिवाइन मैस्कुलिन को छोड़ देते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई ये जब मैंने इसको ऐसा बोल दिया कि मेरे को नहीं चाहिए तो आएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी मेरे पास, और फिर जो है मतलब मेरे पैर पे गिर जाएगी, रोने लग जाएगी, तमाशे करेगी, ड्रामा करेगी। और जब हम नहीं करते ऐसा और चुपचाप चले जाते हैं तो इंस्टेड कि वो हमको भूल जाए, वो हमको और ज़्यादा मिस करना चालू कर देते। लेकिन ये तब भी के तब भी नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि आपने आज नो कॉन्टैक्ट चालू कर दिया, आपने आज से बात करना बंद कर दिया और कल जो है आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको उठ के मिस करने लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा होगा जब आप कम से कम 20 से 25 दिन जो है वो खुशी से जिएंगे, वो अपने एक्स के साथ फ़ोटोज़ डालेंगे या अपने कार्मिक के साथ खुश रहेंगे, जो भी है उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है गाइस, तो आपको तो वैसे भी दो तीन महीने गायब ही रहना है और उनको तब तक मैसेज नहीं करना जब तक वो आपको सामने से मैसेज नहीं कर देते। ये जो है सिंपल फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपने इसको सही से अप्लाई किया है तो। और आपको हर 15-25 दिन पे ये नहीं पूछना है कि अब तो हो गया टाइम, क्या मैं इसको मैसेज करूँ। नहीं नहीं नहीं, इस नो कॉन्टैक्ट पीरियड में जब आप आ जाते हो या ये फॉलो जो मैं कोशिश अभी बता रही हूँ आप फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो या फॉलो करना चाह रहे हो, तो इसके बाद कॉन्टैक्ट से वहीं से आना चाहिए, आपकी तरफ से एक लाइन भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है गाइज, और जब वो वापस आ जाए उसके बाद भी एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव किया जाता है। तो अगर आप वो आप और सीखना चाहते हैं तो पर्सनली आप मेरे से हीलिंग सेशंस और ये सब ले सकते हैं। लेकिन गाइज, जैसे मैं एडवाइस करती हूँ जब कोई भी मेरे पास आता है, और मैं आपको आज जनरल एडवाइस में बोल रही हूँ कि अगर कोई मेरे पास आता है तो पहली चीज़ मैं उनको उनके सिचुएशन के हिसाब से नो कॉन्टैक्ट ही सजेस्ट करती हूँ। ठीक है, ये नो कॉन्टैक्ट में हम इनर वर्क करते हैं, जो भी करते हैं, तो मैंने सोचा आपको इस थोड़ी सी इसकी झलक दी जाए ताकि आपको पता चले कि। और ये जो है गाइज नो कॉन्टैक्ट सबसे बेस्ट फार्मूला है इस दुनिया में, इससे बेस्ट फार्मूला कोई नहीं है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लाने की या अपने आप को बेस्ट जो है करने की। तो क्या करना है इस नो कॉन्टैक्ट पीरियड में, क्या क्या इनर वर्क करना है, कैसे करना है, अगर आप ये सब हीलिंग लेना चाहते हैं पर्सनली तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम आपके ऊपर काम करेंगे अच्छे से, आपको क्रिस्टल सजेस्ट करूँगी, रीडिंग करेंगे, जो भी है आपका करंट सिचुएशन के हिसाब से हम सिचुएशन का हीलिंग करेंगे गाइज, और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमको क्या करना चाहिए हमारे सिचुएशन के लिए। तो गाइज़ ये एक छोटा सा झलक दे रही थी। इवन गाइज, अगर आप हीलिंग नहीं भी लेना चाह रहे हैं लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट जो है या आपके पास पैसे नहीं है हीलिंग करने के लिए या जो भी आपका प्रॉब्लम है, करंट फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है, तभी भी नो कॉन्टैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट और बेस्ट सोल्यूशन है आपके लिए। एक बार उन्होंने कुछ बोल दिया बिना कुछ बोले गायब, और फिर डेढ़ दो महीने के लिए
अपना इनर वर्क करे, मेडिटेशन करे, कुछ भी करे, अपनी लाइफ जिए, उनके बारे में तो भूल ही जाए। ठीक है गाइस, ब्लॉक नहीं करना है, बस उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो बात अलग है। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग आज की। तो डिवाइन मैस्कुलिन का देख लेते हैं गाइस, करंट एनर्जीज क्या है। तो एनर्जीज काफ़ी स्कैटर्ड एनर्जीज लग रही गाइस डिवाइन मैस्कुलिन की। इसको अच्छे से हम जो है फिर से कलेक्ट करके शफल करेंगे और देखेंगे कि हमारी डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या है। एंजल स्पिरिट्स डिवाइन प्लीज गाइड मी। तो करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन निकल चुके हैं गाइस, नहीं और निकलना चाह रहे हैं कार्ड्स। तो अगर आपको गाइस ऐसे और भी सॉल्यूशंस चाहिए शॉर्टकट वाले, जो आप तभी के तभी अप्लाई कर सको और आपको पता नहीं है क्या करना है उस सिचुएशन में, तो मैं जो है गाइस ये आपको कम्युनिटी पोस्ट पे डालते रहती हूँ ऐसी क्विक सॉल्यूशंस जो आपको क्या करना है आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, अगर मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं हूँ तो। उसके बाद हम बाद में इस सिचुएशन को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन पहले तो आप ये क्विक जो है सॉल्यूशंस को फॉलो कर लीजिए और फिर जो है उस समय मैं आपके पास अगर अवेलेबल नहीं हूँ या आप जो भी है तो कम्युनिटी पोस्ट पढ़ते रहिएगा, ताकि आप लोगों को जो है क्विक सॉल्यूशंस मिल आप पढ़ सको, ताकि जब आपको अप्लाई हो तो आपको पता है कि हाँ ऐसे करना था, लिखा था। तो चलिए गाइस देखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जीज क्या है। तो ये रहे गाइस डिवाइन फेमिनिन के कार्ड्स और फिर करेंगे गाइस हम कार्मिक की करंट एनर्जीज। तो अभी गाइस कार्मिक उनकी मॉम भी हो सकती है, उनकी वर्क प्लेस भी हो सकती है, जो भी है आप अपने हिसाब से मतलब ले लीजिएगा। ठीक है, आपके साथ जैसे रेजोनेट करे आप उसको अपने हिसाब से लीजिए, लेकिन अगर नहीं रेजोनेट करता है तो गाइज ज़बरदस्ती अपने आप को सिचुएशन में डालने की कोशिश ना करें। एंड गाइज ऑल्सो ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब आप लोग के लिए एप्लीकेबल होगा तब आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए गाइज हम देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज। स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं किसी सिचुएशन से भागने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनडिसिशन में है, पता नहीं है अगर निकल गए तो यहाँ से क्या करना है इन लोगों को, क्योंकि गाइस वो जो है यहाँ पे फंसे पड़े हैं दो सिचुएशन में। एक तो जो है उनको जो वो अगर कार्मिक को अप्रोच कर रहे हैं या कार्मिक के साथ रहना चाह रहे हैं, बना के रहना चाह रहे हैं, तो अपने फैमिली के लिए तो कार्मिक तो मान नहीं रहे, कार्मिक तो जो है सुनना नहीं चाह रहे हैं, और ऊपर से जो है कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन को रोकना चाह रहे, तो डिवाइन फेमिनिन भी नहीं रुक रही है यहाँ पर। तो दोनों साइड से जो है सिचुएशन ख़राब है। ठीक है गाइस, या तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको गुड बाय बोल दिया है और अब जो है आपके पर्सन स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं आपको वापस आपके अपने लाइफ में लाने के लिए, बिकॉज वो आपको एक पेंटिकल जो उनके हाथ में था वो जो है निकल चुका है और अभी वो उनको ऐसा लग रहा है वो बाहर तक आ गए हैं आपको रोकने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि अपने फैमिली से भी अटैच्ड है। तो डिवाइन मैस्कुलिन कम्प्लीटली कंफ्यूजन सिचुएशन में, जहाँ पे डिवाइन कार्मिक जो है नहीं सुन रही है, तो कहीं ना कहीं वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में शिफ्ट हो गए हैं। अगर आपका ऐसा सिचुएशन है तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन बनते चले जा रहे हैं, जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि कोई उनसे प्यार ही नहीं करता, कोई उनको पसंद ही नहीं करता, किसी को वो चाहिए ही नहीं,
तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छा है क्योंकि वो कार्मिक्स को ऑफर करना चाह रहे हैं फिर से एक अच्छा सा बेटर सा सिचुएशन। कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि कार्मिक्स को पता चल गया है आपके बारे में और कार्मिक्स जो है बहुत ज़्यादा भड़क गए हैं और वो कार्मिक्स को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और कार्मिक्स को उनका पावर वापस देने की कोशिश कर रहे हैं और डिवाइन फेमिनिन को जाने दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गाइज ये कन्फ्यूजन बड़ा ही तगड़ा है यहाँ पर। वो समझ ही नहीं आ रहा है उनको, वो कार्मिक्स को डिवाइन फेमिनिन को रोके तो फिर वो कार्मिक्स का क्या करे और कार्मिक्स को वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि हम रखे कि छोड़े, किसको रखे किसको छोड़े, तो वो क्लैरिटी ही नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन्स को। इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये एनर्जी उनको जो है फेमिनिन एनर्जी में लेके जा रही है जहाँ पे वो पीपल प्लीजर बन रहे हैं कहीं ना कहीं। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की अगर हम बात करें तो डिवाइन फेमिनिन जो है कहीं ना कहीं मुझे एनजाइटी में भी लग रही है। अगर डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको कह दिया है चले जाओ यहाँ से तो आप भी इनडिसीशन में हो कि मुझे करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए डिवाइन टाइमिंग के लिए क्योंकि मुझे साइंस मिल रहे हैं या मुझे आगे वॉक ओवर कर लेना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है स्ट्रेंथ की कमी दोनों के लिए है, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी और डिवाइन फेमिनिन के लिए भी। डिवाइन फेमिनिन को लग रहा है अब सब खत्म हो गया, अब कार्मिक के पास जाके सरेंडर कर ही लेना चाहिए। मुझे आपके कार्मिक्स कोई भी हो, चाहे आपकी मॉम हो या जो भी हो, डिवाइन फेमिनिन को ऐसे लग रहा है कि मैं क्या करूँ क्योंकि जो मेरा तो साइड का चला नहीं यहाँ पे, तो उनको तो धोखा मिल चुका है, उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। डिवाइन फेमिनिन को ऐसे लग रहा है कि उनका स्टोरी ओवर हो चुका है, तो इस सिचुएशन से मुझे वॉक अवे कर लेना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हो तो गाइस आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में एंटर करने लग जाओ कि अगर आपका ये सिचुएशन चल रहा है, मैंने कहा ना ट्रिगर्स काफ़ी चल रहे हैं अगस्त से और आप जो है अक्टूबर आते आते इस सिचुएशन में ऑलरेडी आ चुके हो कि आपको डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि साइंस तो आ रहे लेकिन इन साइंस का मैं क्या करूँ, वो तो मुंह पे बोल के चला गया कि मुझे तू नहीं चाहिए, राइट सब एंड हो चुका है यहाँ पर और आप तो वॉक अवे करने की फुल तैयारी में मुझे दिखाई दे रहे हो। डिवाइन मैस्कुलिन्स को पता नहीं है कि उनको रोकना है और किसको रोकना है, कार्मिक्स को, कार्मिक्स मान नहीं रही है, डिवाइन फेमिनिन जा रही है, दोनों साइड से जो है डिवाइन मैस्कुलिन की जो है हालत खराब हो गई है। वो कुछ भी कर रहे हैं कार्मिक्स को मनाने के लिए क्योंकि उनके उनको इधर अटैचमेंट है कहीं ना कहीं, एक जो है कई हम ये कह सकते हैं जब तक उनका कर्मा ख़त्म नहीं हो जाता वो नहीं सुधरने वाले, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। कार्मिक्स जो है हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ठीक है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, प्लेफुलनेस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, दिस कुड बी द वन। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कार्मिक्स भी जो है परेशान है, ठीक है, कि ये है कि नहीं है मेरा, वो ही परेशान है क्योंकि आज तक कार्मिक्स को भी लगता था कि दिस इज़ माय पर्सन, ये मेरा है और जो है अब उनको पता चल रहा है, चाहे जो भी हो हमारे बीच ट्रू लव है उनको ऐसा लगता था और कनेक्शन वो जो है फील करते थे जो भी है जैसा भी कनेक्शन जा रहा है ये मेरे लिए ही है और ये मेरा ही है, कहीं ना कहीं कार्मिक्स को भी ऐसा लगता था। तो अभी उनको बहुत ज़्यादा शॉक लगा है तो वो भी सोच रहे हैं कि हम एक्स को छोड़ के हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस करें, इनको एक चांस ना दे, हम आगे बढ़ जाए अपनी लाइफ में, करें तो क्या करें। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन जो है कार्मिक्स के पीछे कम्प्लीटली, डिवाइन फेमिनिन जो है उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सैड सिचुएशन मुझे यहाँ पे आज डिवाइन फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स की दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने रिलीज़ कर दिया है डिवाइन फेमिनिन को और जहाँ वो कार्मिक्स के पीछे रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन का बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है और कार्मिक्स जो है वो जानते हैं कि दे डिज़र्व लव, ठीक है, और वो सुन नहीं रहे हैं कि भाई डिवाइन मैस्कुलिन का कुछ भी, उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं मैं छोड़ दूँ क्या करूँ, ये है कि नहीं है मेरे लिए। तो कार्मिक भी ऐसे सिचुएशन में जो है
कहीं ना कहीं मुझे एक न्यू कमर्स की रीडिंग लग रही है ये, जो आप नए ज्वाइन हुए हो तो आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी अभी आए हो, जहाँ पे आपके कार्मिक को सब मतलब डिवाइन मैस्कुलिन के कार्मिक को सब कुछ पता चल गया है और आपका सेपरेशन पॉइंट आ गया है, जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन आपको छोड़ के कार्मिक को चूज करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, या उन्होंने आपको मुंह पे बोला है कि मैं कार्मिक को चूज कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है ऐसा लग रहा है एंजाइटी में हो, दुखी हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, प्रॉब्लम में हो, तो गाइज मैं आपको ये बता दूँ कि ऐसे सिचुएशन में जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको बाय बाय बोल के जा चुके हैं, और मैंने आज नो कॉन्टैक्ट के बारे में ही बात किया है, तो ये आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और अगर आप ये करना चाहते हैं सही तरीके से तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। तो गाइज आई होप ये रीडिंग आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। लेकिन गाइज मैं आप लोग को आपके डिवाइन मैस्कुलिन से मैसेज देने बगैर कैसे जाने दूँ, तो गाइज हम आपको देंगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन से एक पर्सनल मैसेज, उप्स, और वो है गो स्लो विथ मी एंड आई प्रोमिस आई विल अलाउ यू इन। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है जोश और ये सब दिखाया है कनेक्शन में, और जिसके वजह से कार्मिक को पता चल गया है आपके आप दोनों के बारे में, आपने मतलब कुछ तो किया है ऐसा जिसके वजह से डिवाइन मैस्कुलिन को लग आपको छोड़ के कार्मिक के पास चले गए हैं, और वो कह रहे गो स्लो विथ मी आई प्रॉमिस आई विल अलाउ यू इन। इसका मतलब ये है कि अभी आप स्लो मतलब सीधा नो कॉन्टैक्ट ही है, इसका मतलब कि आप अपने लाइफ में जाओ, आप अपना ये करो, वो आपको स्लोली स्लोली जब टाइम राइट हो जाएगा और जब वो ये सिचुएशन संभाल लेंगे तब आपके पास वापस आ जाएंगे। तो चलिए गाइस इस रीडिंग को यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।